नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी की न्यूज़। आज हमारे साथ जो पेमा सर बीच वाल की जो जनता है, यहाँ की जनता ने अपना जो मुखिया है तोड़ाराम जी कुकड़ा के रूप में चुन लिया है। तो आज तोड़ाराम जी हमारे साथ हैं, पूरी इनके जो वर्कर हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो इनसे बात करेंगे, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे और पंचायत में क्या प्रमुख समस्या थी जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे थे। तो साहब बहुत बहुत बधाई आपको। तो पहले तो आपको भी बधाई हो। तो तोड़ाराम, जैसे आप यहाँ से फर्स्ट चुनाव आपने जीता, आप युवा भी हो, और ये जो जीत का श्रेय है किसको देना चाहोगे आप? मैं पेमा सर और बीछवाड़ के सभी ग्रामवासियों को ये श्रेय देना चाहता हूँ, और सभी ने लग के मेहनत की है और मेरे को ये जीत दिलाई। ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, दोनों गांव के सभी लोगों की जीत है ये। तो तोड़ाराम जी, बहुत से सरपंच बने होंगे और आपकी जो ग्राम पंचायत है तो इसके अंदर तो बहुत बड़ा हब है, जो एक जो निजी आय का है, जो आप इंडस्ट्री एरिया है बीछवाड़, तो आप क्या प्रयास थे, कौन कौन से मुद्दे जनता के बीच में ले गए थे जिसका आप समाधान कराओगे? बिल्कुल, हमारे गांव में बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बीछवाड़ है जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और मेरा प्रयास रहेगा कि पेमा सर और बीछवाड़ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, क्योंकि रोज़गार ही सभी समस्याओं का एक समाधान है। युवा नशे से दूर भी होंगे और रोज़गार, खेल और शिक्षा की तरफ मेरा जो मुख्य ध्यान रहेगा जी। तो और कौन कौन सी जो प्रमुख समस्या थी जो लेके आप जनता के बीच में गए, जनता ने आप पर विश्वास किया, तो आप जनता के विश्वास पर खड़े उतरोगे? विकास के नाम पर अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं हो रखा है, रोड लाइट हो, चाहे गाँव के अंदर सड़कें हो, और मृत पशुओं को उठाने की जगह भी नहीं है। और मैं पेमा सर के युवाओं की, बीछवाड़ के युवाओं की एक मुख्य मांगे खेल के लिए यहाँ मैदान की भी थी, और खेल मैदान है और बाकी जो भी तरह के शिक्षा, चिकित्सा सभी काम करवाने। तो तोड़ाराम, जैसे बात करेंगे, पूरे हमने देखा है इंडस्ट्री एरिया जहाँ भी पंचायत आती है तो निजी होते पंचायत की, लेकिन वो वादे करते हैं सरपंच, लेकिन सबसे ज़्यादा गांव का जो विकास के बारे में बात करेंगे तो वो पहले बोलते हैं आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे, गांव का अच्छा विकास कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है सरपंच बनने के बाद में बड़े बड़े बंगले सरपंचों के ही बनते हैं, लेकिन जनता वैसे वैसे 5 साल के अंदर फिर इंतजार करती है कोई ऐसा सरपंच आएगा जो हमारा विकास कराएगा, हमारे रोडें होगी, लाइट होगी, लेकिन फिर भी वो बहुत पीछे चली जाती है पंचायत। आपने बताया जैसे पहले भी सरपंच आए ग्राम पंचायत के अंदर लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ, तो क्या यहाँ की जनता ने आप पर विश्वास किया है? तो इस जनता को आप 5 साल के अंदर एक ये पंचायत देखने को मिलेगी भी एक आदर्श ग्राम पंचायत है यहाँ पे? बिल्कुल, मैं पेमा सर और बीछवाड़ की जनता ने जो मेरे पे विश्वास किया उसी विश्वास पे खरा उतरूंगा, और मैं ऐसा नहीं करूंगा जनता के साथ कि ये बंगले हमारे बने जनता के नहीं बने। मेरे लिए जनता की जो समस्याएं हैं और जिस विश्वास से उन लोगों ने मेरे को चुना है उनके विश्वास पे खरा उतरूं, ताकि 4 साल बाद में या 5 साल बाद में वापस वोट मांगने जाऊं तो उनको ये नहीं कहना पड़े कि मेरे को एक मौका और दो, जनता आके मुझे कहे कि आपने अच्छा काम किया। और इसी सोच के साथ मैं पेमा सर और बीछवाड़ में जो भी मतलब होने वाले काम है वो सारे काम करवाऊंगा, विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है, जैसे पिछली बार देखा गया था जो ओडीएफ हुई पूरे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान की बात करेंगे तो बीकानेर जिला पे फर्स्ट बार जो ओडीएफ हुआ, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखा था धरातल पे जाके, लेकिन वो धरातल पे नहीं हुआ, सिर्फ डॉक्यूमेंट में हुआ। तो आपका जो 5 साल का जो कार्यकाल है, जो योजनाएं आती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, उसके अंदर एक घोटाले के अंदर भी जबरदस्त यहाँ से बीकानेर का जिला आया था, जैसे कैडल सेट का जो मामला था आपने देखा होगा, पंचायत के अंदर नोखा के अंदर एक ग्राम पंचायत से मुद्दा उठा था और पूरे बीकानेर जिले की जाँच हुई थी इसको लेकर, कैडल सेट को लेकर। तो क्या उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश रहेगी और सरकार की मूलभूत योजना है तो वो धरातल पर देखने को मिलेगी? बिल्कुल, राज्य और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उनको, उन सब योजनाओं का जनता को पूरा लाभ मिलेगा, और जो ग्रामीणवासी है सभी के सहयोग से, सभी के राय मशवरे से काम करवाए जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह का यहाँ भ्रष्टाचार होगा। पेमा सर और बीछवाड़ की जनता का जो विश्वास है उस पर मुझे कायम रहना है और उन सबको साथ लेकर चलना है, सबका काम करना है जी। तो इनके जो पिताजी है, इनके पिताजी ने पहले भी चुनाव लड़ा था और पेमाराम जी मरसा थे, पेमाराम जी कुकड़ा, तो आज यहाँ से इनके पुत्र जो सरपंच बने हैं, तो साहब जैसे अभी जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे आप? ये पेमा सर और बीछवाड़ गांव की जनता को जी। तो पिछली बार भी आप कुछ वोटों से, आपने पहले चुनाव लड़ा था 74, आप बता रहे 74 वोटों से पीछे रहे, लेकिन अब की बार यहाँ की जनता ने आपको भरपूर समर्थन दे के यहाँ से आपके परिवार के अंदर आपके पुत्र को यहाँ सरपंच चुना है, तो क्या ये ग्राम पंचायत की जो जनता है उम्मीद कर सकती है अब एक अच्छा विकास होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। खेतों में जाने का रास्ता है, आज के साधनों में जो पहले के साधन नहीं है, ऊँट गाड़ी वाला, सारे टैक्सी मोटरसाइकिल ये, तो खेतों में जाने का रास्ता, रोडें बनानी और करना, विकास पे ही मुद्दा रहेगा, सारा विकास की ध्यान रखेंगे जी। तो जैसे बात करेंगे आपका इस चुनाव के अंदर आपकी क्या भूमिका रही? भूमिका, हमने तो सबके साथ विश्वास जीता है और विश्वास लोगों का काम किया, वैसे भी नहीं सरपंच थे तो भी काम करते थे जी। तो इनके जो कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ थे तो इनसे बात करेंगे। जैसे अभी तोड़ाराम जी को आपने जिताया तो क्या उम्मीद आपको? उम्मीद पूरी वही आदमी कर सके
सगड़ा सपनों ही नहीं बनाना कोई हो लेकिन अब पूरा हो गया हो साहब। जैसे तोड़ाराम जी से क्या उम्मीद आपको? मेरी तो उम्मीद आई है कि आज से पहला चुनाव लड़िया तो भी चुनाव आज तक कोई कमी को नहीं आई। तो इनके जो परिवार से और भी हमारे साथ है तो बाबू जी आप ये जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे और आपको क्या लगता है तोड़ाराम जी आपकी बार युवा है तो काम करेंगे विकास करेंगे? सर वो काम करा वो लोग जी और हमारे अंडर रहे लोग खुलो नहीं है। जैसे आपने ये होली खेल रखी है तो आज तक कभी ऐसी ये रंगे हुए आज आप नजर आ रहे हो तो पहले भी कभी रंगे थे? जिंदगी में पहली बार। जिंदगी में पहली बार बस जी। बहुत से सरपंच बनाए आपने तो महाराज तो आपकी बार तोड़ाराम जी से क्या उम्मीद है आपको? बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा आज तो जीतिया दिन जीतिया काम करता मोहरा तो जी तो जनता काम तो राम जी हमारे सरपंच हुए हैं और हमारे पेमा सरकार में अच्छा विकास करेगा और बहुत बढ़िया है और हमने सब मिलकर उनको जीता है और हमारे पेमा सरकार का बढ़िया बढ़िया विकास करेगा हमें विश्वास है। तो ये थे इनकी जो जनता इनके कार्यकर्ता लेकिन देखा गया चुनावों के अंदर सरपंच के जो कार्यकर्ता है बाद में दोबारा जब चुनाव आता है तो वो दूसरे कैंडिडेट के साथ होते हैं। तो जैसे तोड़ाराम जी आपको आपके कार्यकर्ता क्या पाँच साल या आगे आपने राजनीतिक करियर आप अभी आपने स्टार्ट किया राजनीतिक सरपंच से जो कड़ी है तो आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी आपकी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आज जो कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं वो आगे किसी और के साथ होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आज जितने मेरे साथ खड़े हैं इससे ज़्यादा जुड़ेंगे अगले चुनाव में और राजनीतिक करियर का मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जनता के लिए बढ़िया काम करेंगे बाकी आगे जनता जो कहेगी जैसा होगा वैसा करेंगे। तो आपके सामने जैसे कैंडिडेट खड़े थे तो उनके साथ कोई भेदभाव रहेगा या उनको सबको साथ में समान लेके चलोगे? नहीं मेरे लिए पेमासर और बीछवाड़ के सभी ग्रामवासी समान रूप से हैं किसी में कोई भेदभाव नहीं रहेगा सभी के साथ और सहयोग से विकास करेंगे बिल्कुल भेदभाव से ऊपर उठ के काम करेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ तोड़ाराम जी यहाँ की जनता ने जो इनको सरपंच मुखिया चुनाया तो पाँच साल के अंदर फिर एक बार इनसे मुलाकात होगी और जनता से रूबरू होंगे भी तोड़ाराम जी ने कितना विकास कराया। हमारे कैमरा मैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।